तो गाइस इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको सिंपली अपने गेम को ओपन करना है, यहाँ से आपको ट्रेनिंग मोड लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आ रहा है, आपको यहाँ से एक गन सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट गन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। गन सेलेक्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पर एक एग्जिट का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर जाना है एंड आपको एग्जिट में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी है। तो गाइस अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है जिसमें से मैंने कंप्यूटर में से आलोक को बाहर निकाला था, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से ये हमें करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, आपको करेक्टर को रनिंग करा कर कुछ यहाँ पर लेकर आना है इस लोकेशन में। यहाँ पर लाने के बाद आपको ये बेंच दिखेगी, उसके बाद आपको पेड़ दिखेगा एंड आपको क्या करना है, यहाँ से इस लोकेशन पर आना है, इस पोजिशन में आलोक को लाना है। सॉरी, यहाँ से करेक्टर नीचे आ गया है तो हमें पहले ऊपर लेकर जाना है। यहाँ पर लाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, करेक्टर को यहाँ से जंप कराना है एंड करेक्टर को बैक साइड पर करके एक शॉट कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना है एंड गाइस यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है काइनमास्टर। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ से हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली क्या करना है, आपको किसी भी कलर का बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, बट गाइस यहाँ पर आपको इसके कलर को ग्रीन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आप इस सर्कल को देख लेना, आपको यहाँ पर इस सर्कल को इस वाले ग्रीन को लेना है, ठीक। तो इसके बाद गाइस आपको लेयर पर जाना है एंड मीडिया पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से फटाफट स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड कर लेता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी है, तो कहाँ से हमें लेना है, जब करेक्टर जंप किया था, ठीक है। तो वीडियो को आगे की तरफ लेकर आएंगे एंड यहाँ पर से इसको ट्रिम कर देंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, वीडियो को यहाँ पर ले आएंगे एंड इसके बाद हम इसको लॉन्ग प्रेस करके शुरू में ले आएंगे। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं, ठीक। तो गाइस इस वीडियो को हमें लेना कहाँ से है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ वीडियो को हमें यहाँ से लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कैची पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे एंड लॉन्ग प्रेस करेंगे इस वीडियो पे, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको साइड में ऑप्शन दिखेगा क्रॉपिंग का, क्रॉपिंग पे जाने के बाद आपको इधर से क्रॉप कर लेना है एंड इधर से क्रॉप कर लेना है, ऊपर साइड से थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस सिंपली इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, यहाँ पर इस तरीके से बड़ा करके यहाँ पर ऐसे करके सेट कर लेंगे। अब गाइस साइड में आपको जो क्रोमा की दिखेगा, क्रोमा की को यहाँ से ऑन कर लेंगे और गाइस यहाँ पर आपका कलर चेंज होगा, तो सिंपली आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको करना है ग्रीन कलर ले लेना है। तो यहाँ से आपको सर्कल पे जाना है एंड सर्कल पे जाने के बाद आप ये देख लेना मैं सर्कल को कहाँ पर रोक रहा हूँ, ठीक है। आपको यहीं पर सर्कल को रोकना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर रोकना है, इसको ओके कर देना है। अब गाइस आपको ये दो ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन दिखते हैं, आपको थोड़ा सा इधर से बढ़ाना है एंड ऊपर वाला थोड़ा इधर बढ़ाना है, फिर नीचे वाला थोड़ा इधर बढ़ाना है, फिर ऊपर वाला थोड़ा इस तरफ बढ़ाना है। इस तरह से जब आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपका ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को कैसे बनाते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको लेयर यहाँ से अपना एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, मीडिया में जाना है, यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फिर से ऐड कर लेना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड करने के बाद आपको ये करना है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे एंड इसको बराबर से ओके कर देंगे। अभी गाइस इस वीडियो को आपको ट्रिम कर लेना है। तो फाइनली गाइस यहाँ से हम ट्रिम करेंगे जब करेक्टर ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से कर लेंगे एंड उसके बाद ठीक है यहाँ से हम इसको लेंगे। तो प्ले करते हैं एंड करेक्टर सॉरी यहाँ से थोड़ा सा इधर कर लेंगे एंड अभी गाइस आपको ये करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये करेक्टर यहाँ से कूदेगा, उसके बाद ये पीछे की तरफ शॉट करेगा। तो इस वीडियो को आपको थोड़ा सा इसका भाग लेना है, तो इसके लिए आपको क्या कहना है कि यहाँ पर आना है, जब ये करेक्टर ऊपर की तरफ चढ़ेगा और इस पोजीशन में आएगा, यहाँ पर आपको क्या कहना है, कैची पर क्लिक करके आपको ट्रिम टू राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इतनी सी वीडियो में लेना है, आपको प्ले करके दिखा देते हैं, करेक्टर इस तरफ चढ़ेगा और यहाँ पर इस तरह से खड़ा होगा, ठीक है। इतनी सी वीडियो को हमें लेना है। अब आपको सिंपली क्या कहना है, कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देना है। तो अभी गाइस आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको लेयर पे जाना है एंड मीडिया पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको कैप्चर को फिर से ऐड कर लेना है। यहाँ पर लाने के बाद आपको इसके ऊपर ऐसे करके ले आना है। अभी आपको क्या करना है, क्रॉपिंग पे जाके आपको जो इसका जो घास दिख रही ना, इस घास को इस तरह से ले लेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर देना है एंड इस पर घास वाली लेयर पर क्लिक करेंगे और पहले इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे एंड घास वाली लेयर पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करके आलोक के ऊपर इस तरह से, यानी करेक्टर के ऊपर इस तरह से रख देंगे, तो ये करेक्टर यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी गाइस आपको सिंपली क्या करना है, फिर से कैप्चर एक ले लेना है और उसके बाद आपको ये वाला कैप्चर दिख रहा ना, सिंपली इसको डिलीट कर देना है। और उसके बाद आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद गाइस यहाँ से फिर से हम इस कैप्चर को ऐड कर लेंगे जो अभी हमने लिया था, ठीक है, ये वाला जिस पे करेक्टर गायब है। अब आपको क्या करना है, क्रॉप पे जाने के बाद
इसको छोटा कर देना है, इस तरह से जूम आउट कर लेना है आपको। एंड जूम आउट करने के बाद आपको लेयर पे जाना है एंड मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद गाइस यहाँ पर सिंपली आपको एक, मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको एक पिक्चर दे दूंगा ये वाली फ़ोन वाली, ठीक है, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपको इसको जूम कर लेना, आपको जितना अच्छा लगे आप उतना जूम करके इसको रख सकते हैं। तो अभी गाइस आपको क्या करना है, इसको इतना कर लेना है एंड उसके बाद आपको इसके ऊपर रख लेना है और आपको पीछे वाली लेयर पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको क्रॉप पे क्लिक करना है, क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको इस फ़ोन के स्क्रीन के अंदर इसको सेट करना है, जूम आउट करना है आपको इस तरह से, जूम आउट या जूम इन करके इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। और जो सामने आपको बराबर का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो मैं ऐसे बराबर बराबर पर क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी गाइस इसको प्ले करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। लेकिन गाइस अभी यहाँ पर करेक्टर बाकी है, तो करेक्टर बाकी है तो इसके लिए आपको प्लस पर आना है एंड आपको क्या करना है, तो प्लस पर आने के बाद आपको लेयर पे जाके मीडिया पे चले जाना है। तो जो हमने गाइस अभी ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाई थी ना, सिंपली क्या करना है, उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। तो आलोक वाली यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन ये रही। अभी गाइस आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, क्रॉप यहाँ से क्रोमा की को ऑन कर लेना है। क्रोमा की ऑन करने के बाद गाइस इसको छोटा कर लेना है, इस तरह से स्क्रीन पर यहाँ पर सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर लंबी है ना, तो ग्रीन स्क्रीन के हिसाब से हमें बाकी लेयर का भी लेंथ को बढ़ा लेना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करना है, तो ये ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करना है और ग्रीन स्क्रीन के बराबर इसको ले आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन वाली पर क्लिक करना है, इसको भी इतना बड़ा कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे की तरफ को लेकर आना है एंड आपको की दिख रही ना, इस की पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। तो उसके लिए आपको पहले जब करेक्टर ऊपर की तरफ उठेगा वहां पर आपको रुकना है, की पर क्लिक करना है और आपको की वाले बटन पर दबा देना है, ठीक है। तो अभी गाइस आपको क्या करना है, इस करेक्टर को इस तरह से फिंगर से नीचे की तरफ ले आएंगे। यहाँ पर लाने के बाद आपको एरो से इस तरीके से करेक्टर को बड़ा कर लेना है। ओके, इतना करने के बाद गाइस ये वीडियो यहाँ पर इस तरह से आएगी। तो अभी हम इसको प्ले करेंगे ना, तो इस तरीके से करेक्टर नीचे की तरफ आएगा एंड ये अपने आप बैक होगा, उसके बाद यहाँ से शॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पर गाइस अभी एक काम बाकी है, तो यहाँ पर स्क्रीन यहाँ पर टूटी थी ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पैक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना होगा ये वाला। तो ये पैक आप ले लेना डिस्क्रिप्शन से, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको स्क्रीन पर इस तरह से सेट कर लेना है। तो अभी इसको जब आप प्ले करेंगे तो इस तरीके से ये क्रैक हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना और एक अच्छे से कमेंट करना। चैनल पर यार पहली बार आना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।